इजराइल और हमास के युद्ध में वही हो गया जो पीएम मोदी चाहते थे। भारत बंसी ऋषि सुनक इजराइल जाकर ऐसा ऐलान कर दिया है कि दुनिया के 57 मुस्लिम देशों की जान निकल गई है। अमेरिका के युद्ध टैंक का जवाब देने के लिए रूस ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल किंजल को ब्लैक सागर में उतार दिया है। रूस का ये वो खतरनाक मिसाइल है जिसे रोकने की क्षमता अमेरिका के पास भी नहीं है। 2000 किलोमीटर दूर बैठकर ही ये मिसाइल परमाणु हमला कर सकती है। अरब के 22 मुस्लिम देश किसी भी वक्त एक साथ इजराइल पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अब अचानक से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंच गए हैं और उनके एक ऐलान ने पूरे दुनिया में खलबली मचा दी है। लेकिन सुनक के इजराइल पहुंचते ही पूरी दुनिया में भारत और पीएम मोदी का नाम क्यों लिया जा रहा है? पूरी दुनिया इजराइल हमास के युद्ध को देख रही है, लेकिन असली खेल दिल्ली में बैठकर पीएम मोदी के हनुमान डोभाल ने कर दिया। जो काम इजराइल की मोसाद नहीं कर पाई उसे इजराइल के लिए भारत की रॉ कर रही है, जिसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन के पीएम सुनक को इजराइल जाना पड़ा। सुनक कट्टर हिंदू हैं और अपने साथ हमेशा भगवान की मूर्ति लेकर चलते हैं। भारत को अपना घर कहते हैं और मोदी को अपना दोस्त बताते हैं। इजराइल पहुंचे सुनक के एक बयान सुनकर दुनिया के 57 मुस्लिम देश आग बबूला हो गए हैं। सुनक ब्रिटेन से सीधा इजराइल के तेल अवीव पहुंचे, इसके बाद एक बयान जारी किया। ऋषि सुनक ने लिखा कि मैं इजराइल में हूं, एक देश जो इस समय शोक में है। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आपकी साथ खड़ा हूं। मतलब ब्रिटेन ने भी ये खुला ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के बाद वो भी अपनी सेना इजराइल भेज सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका भले ही इजराइल के साथ हों, लेकिन रूस पूरी तरह से इस जंग में कूद पड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अपनी किंजल मिसाइल को काला सागर में उतार दिया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूस की इन मिसाइलों में परमाणु बम है। अभी तक ये तय माना जा रहा था कि 99% इजराइल ही युद्ध जीतेगा, लेकिन रूस ने पूरा गणित बदल कर रख दिया है। हमास के आतंकियों के पास भी संदेश पहुंच गया है कि रूस उनके साथ खड़ा है। ऐसे में अचानक से सुनक का इजराइल जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या अब विश्व युद्ध शुरू होगा, क्योंकि पहले ही दुनिया भर के मुस्लिम देश एक होकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुनक ने इजराइल जाकर दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के चेतावनी दी है कि ब्रिटेन इजराइल के साथ है। इजराइल का दुश्मन ब्रिटेन का भी दुश्मन होगा। लेकिन इजराइल में सुनक की दहाड़ सुनकर भारत की चर्चा पूरी दुनिया में क्यों हो रही है, इसकी वजह भी जान लीजिए। सुनक खुद के सनातनी हिंदू होने पर गर्व करते हैं और पीएम मोदी के आतंक को खत्म करने वाले बयान को दोहराते हैं। मुस्लिम देशों को लगता है कि सुनक हिंदुस्तान के दोस्त हैं, इसलिए मुस्लिम देशों के खिलाफ जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत सहित सभी देश आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब तक हमास का नामोनिशान ही खत्म हो गया होता अगर रूस, फिलिस्तीन और हमास के साथ न खड़ा होता। रूस अगर खुलकर इस युद्ध में सामने आता है तो विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। रूस क्यों फिलिस्तीन और हमास का साथ दे रहा है और सुनक ने इजराइल जाकर क्या सही किया है? आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।